मनोरंजन जगत में रोजाना कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो सुर्खियों में छाया रहता है। गुरुवार का दिन भी मनोरंजन जगत के लिए कुछ ऐसा ही गुजरा। एक तरफ जहां नोरा फतेही से मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईओडब्ल्यू ने 5 घंटे तक पूछताछ की, तो सलमान खान को उनके पनवेल के फार्म हाउस में ही मारने का प्लान बनाया जा चुका था। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक इस तरह की कई खबरें गुरुवार को सुर्खियों में बनी रही। जी हाँ, आपको बता दें, ठग सुकेश चंद्रशेखर मामले में कोर्ट के चक्कर लगा रही बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही कुछ देर पहले ही ईओडब्ल्यू के ऑफिस से बाहर निकली हैं। उन्हें दिल्ली पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा ने 200 करोड़ रुपए की रंगदारी मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था। फिलहाल उनकी आज की पूछताछ खत्म हो गई है। बता दें कि ईओडब्ल्यू ने एक्ट्रेस से करीब 5.5 घंटे तक इन्वेस्टिगेशन किया। आज सुबह उन्हें 11 बजे तक पूछताछ के लिए पेश होना था। जी हाँ, आपको बता दें, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में पकड़े गए गैंगस्टर्स लगातार बड़े खुलासे कर रहे हैं। अब पंजाब पुलिस के सूत्रों के अनुसार सलमान खान को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले की जांच कर रही मानसा पुलिस को हाल ही में पकड़े गए गैंगस्टर कपिल पंडित ने कई बड़ी बातें बताई हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक काला सच कास्टिंग काउच भी है। इंडस्ट्री के इस काले कारनामे का शिकार एक्ट्रेस समा सिकंदर भी हो चुकी हैं। हाल ही में दिए अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने इस कास्टिंग काउच के उस सच से पर्दा उठाया है जिससे या तो लोग अनजान रहते हैं या फिर उसे जानकर भी अनदेखा कर देते हैं। इस पर एक्ट्रेस का कहना है कि यंग प्रोड्यूसर पहले से ज्यादा बेहतर है, साथ ही वो इज्जत से भी ट्रीट करते हैं। इंडस्ट्री में बदलाव आया है जो अच्छे के लिए है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।